नामीबिया से भारत लाए जाने वाले चीतों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन चीतों को 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर चीतों को रिलीज करेंगे। देश में 70 साल पहले चीते विलुप्त हो चुके थे। हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ला रहे हैं और ये बोइंग 747 है, और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के, बिना बीच में रोके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे, साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स, चीता एक्सपर्ट्स, ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे और इनको लाने के लिए एक विशेष क्रेट्स का उपयोग किया जा रहा है, और ये क्रेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें हवा के आने जाने की एक सुविधा होती है,